सफ़र को कैसे इन्जॉय किया? जी हम तो सफ़र इन्जॉय करते रहे, एक्चुअली मैं इनका ड्राइवर हूँ। सही, ठीक है। आपके जो गिलगित बल्तिस्तान है ना, इसमें तो एक मसला है सड़कों का, और दूसरा मसला ये है कि यहाँ की पुलिस जो है ना, वो टूरिस्ट गाड़ियों को क्यों रोक के उनका चलान करती है? ये चलान नहीं होना चाहिए। जब टूरिस्ट लाहौर से चलते हैं ना, हम लोग उनके साथ सारा कमिटमेंट कर लेते हैं कि भाई रास्ते में खर्चा आप लोगों का है, ठीक है, हमने ये बचत लेनी है। वो सारा बंडल तो पड़ जाता टूरिस्ट पे, ना तो हमारे ऊपर आता ना पुलिस के ऊपर आता। इसमें टूरिस्ट जो है ना, उसको नुकसान हो रहा है। दूसरे नंबर पर ये अस्तोर वाला रास्ता है, इस पर बहुत अच्छे पॉइंट हैं, आगे काफ़ी गाड़ियाँ जा सकती हैं, लेकिन हमें मजबूरन हम नहीं जाते क्योंकि हमारी गाड़ियों का नुकसान होता है। इसलिए टूरिस्ट को वहाँ से वो इसका भी किराया पे कर रहा होता है, वहाँ आगे जाके वो फिर अपनी नई गाड़ियाँ हायर करता है, वो भी रेंट वो पे करता है। तो इतना ज़्यादा बंडल होगा तो वो स्टूडेंट बच्चे तो नहीं अफोर्ड कर सकते मेरे ख्याल से। ये पुलिस के निज़ाम पे आपने बात की, ये स्पेशल मेरे ख्याल में टूरिस्ट को स्पेसिफिकली टारगेट करके चालान नहीं करते हैं? नहीं नहीं, असल में ये तकरीबन पिछले 2-3 साल से ना लाहौर में परमिट का इशू बन रहा है, क्योंकि लाहौर में परमिट जो है ना वो मिल ही नहीं रहा किसी को भी, नहीं रहा। हम लोगों ने खुद वहाँ पे यूनियन बनाई है, उसमें केस हुआ है कि हम परमिट नहीं लेंगे, हमें रूट बना के दें आल पाकिस्तान का, वो हमारा उनका इशू है। लेकिन अब उन लोगों को पता है, यहाँ के पुलिस वाले हो गए, केपीके के हो गए, रास्ते में मोटरवे वाले जितने भी हैं, कोई भी हमें खड़े करेगा ना, वो ये नहीं कहेगा किताब लेके आओ, रूट लेके आओ, वो सीधा कहेगा परमिट लेके आओ, क्योंकि उसको पता है इसके पास परमिट नहीं है, मैं इसका चलान करूँगा। केपीके वाले माशाल्लाह भाई बहुत अच्छे हैं, वो कभी 2500 का कर देते हैं, कभी 5000 का कर देते हैं, ठीक है, कभी कोई अच्छा मिल जाए तो वो 1000 का भी कर देता है। तो ये अभी गिलगित वालों ने भी उनकी तरफ देख के 500 रुपये का हमारा चेक पोस्ट पर चलान होता है, जो पिछले तकरीबन 20-25 दिन से होना शुरू हुआ है। तो स्पेशली क्योंकि अगर आप बात करें केपी पुलिस की, तो वो चलास पहुँचने तक केपी पुलिस के अंडर, जब आप चलास पहुँचते हैं तो वहाँ से आगे फिर गिलगित गवर्नमेंट शुरू हो जाती है, तो वहाँ तक आपको मुश्किल का सामना करना पड़ा या चलास से आगे भी? अच्छे से स्टार्टिंग से हमें जब मोटरवे से उतरते हैं तो पुलिस वाले हमारे लिए ऐसे खड़े होते हैं तैयार कि चाहे रात के कोई भी टाइम आए। पहले होता था रात के टाइम आते थे तो मानसेरा वगैरह में पुलिस वाले नहीं मिलते, लेकिन अब वो वहाँ पे भी मिलते हैं। लेकिन ये पिछले 20 दिन से जो गिलगित वालों ने नया काम स्टार्ट कर दिया ना, यहाँ पे परमिट का चलान, ये जो गिलगित से निकलते पहली चेक पोस्ट आती है, यहाँ पे पुलिस वाले खड़े होते हैं, वो रोकते ही परमिट का पूछते हैं सबसे पहले। ये इशू नहीं है कि परमिट नहीं है तो आप चले जाएँ, परमिट नहीं है तो आपका चलान है, ये अगर हो जाए तो बेहतर है टूरिस्ट के लिए भी और आप लोगों के लिए। जी व्यूअर्स, आपने सुना कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर टूरिस्ट को आते हुए परमिट का इशू होता है, और अक्सर पुलिस चौकी पर इनको रोक के पूछा जाता है कि आपका परमिट कहाँ है। लिहाजा मैं गवर्नमेंट और गिलगित बल्तिस्तान से अपील करूँगा कि वो टूरिस्ट को सेफ पाथ दे दे, एक मार्जिन दे दे, एक लेवल पर चलान होता अवल तो होना नहीं चाहिए, अगर होता भी है तो फुल डिस्काउंट के साथ होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत और गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी रहायशी लोग हैं, ये स्पेशली हुकूमत की मैं बात करूँगा कि वो अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो इन केस ऑफ हैविंग चालान, अगर वो चालान करते हैं तो डेफिनेटली टूरिस्ट का आना कम होगा। जब कम होगा तो यहाँ पे जो 2017 के अंदर यहाँ पे रिपोर्ट हुआ था कि 17.5 लाख टूरिस्ट यहाँ पे आए हुए थे, उम्मीद है कि 18 में ज़्यादा आएंगे। जब इस तरह के केसेस हमारे सामने आते हैं कि जहाँ पे चालान किया जाता है, जहाँ पे परमिट मांगा जाता है, तो डेफिनेटली टूरिस्ट का आना जाना बहुत कम होगा, और उम्मीद है कि गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करेगी। हमें दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।